हस्तमैथुन की आदत, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कितने सारे पेशेंट मेरे पास में आते रहते हैं, बोलते कि मुझे हस्तमैथुन की आदत लगी हुई है, हस्तमैथुन से मुझे कमजोरी आई, हस्तमैथुन से मेरी ताकत निकल गई है, हस्तमैथुन से मेरा लिंग जो है वो छोटा हो गया है, हस्तमैथुन से अभी मेरा जो वैवाहिक जीवन जो है वो भी सफ़र हो रहा है, वो भी तकलीफ में आ गया है, अभी मुझे, मैं अभी पत्नी के साथ में सो नहीं सकता हूँ और मुझे लिंग में कठोरता आती नहीं है, हस्तमैथुन से मुझे जल्दी वीर्य गिर जाता है, हस्तमैथुन से मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी लगती है, कितने सारे हस्तमैथुन। ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचारी आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत साल तक जीवित रहता है, बहुत ज़्यादा उसका जीवन आयुष्मान बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा आयुर्वेद में बोला हुआ है। ब्रह्मचर्य यही जीवन है और वीर्यनाश यही मृत्यु है, ऐसा बोला हुआ है। और इसके वजह से काफ़ी सारे लोग हमारे पास में आते रहते हैं और मैं उनको बार बार, आज ही मेरे पास में एक आया लड़का, वो बोले हस्तमैथुन से मेरा लिंग छोटा हुआ है, हस्तमैथुन मैं कम से कम रोज़ एक बार करता हूँ और मुझे वो किए बिना नींद नहीं आती और हस्तमैथुन से वो बेचैन है कि मैं, मेरी ये जो आदत है वो छूटना चाहिए। मैंने उसको मेरे पहले वाले कुछ वीडियो बताया, मैंने भाई ये सुन लो, और उसको काउंसिलिंग भी किया। मैंने भाई हस्तमैथुन करने में प्रॉब्लम क्या है, हस्तमैथुन नहीं नहीं बोले वो तो गलत ही है ना। मतलब कहाँ लिखा हुआ है सब, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। मतलब कहाँ आयुर्वेदा में क्या है, मतलब साइंटिफिकली बताओ मुझे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई उसको साइंटिफिक बेस ही नहीं है। हस्तमैथुन किया तो कुछ भी नुकसान नहीं है, हस्तमैथुन करना नॉर्मल है, हस्तमैथुन करना कोई मतलब कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात नहीं है, हस्तमैथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ हो गया कि भाई हस्तमैथुन उसको तीन तीन चार चार बार करना पड़ रहा है और उसकी उसको मतलब एक ऑब्सेशन हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है। तो वो हमको देखना पड़ता है कि ऑब्सेशन कंपल्शन है क्या, उसको ऑब्सेशन भी और कंपल्शन भी है और उसके वजह से वो उसको बार बार करना पड़ता है, उसकी इच्छा भी नहीं है, उसको मज़ा भी नहीं आ रही मगर करना पड़ रहा, वो बात अलग है, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात वो कर रहा हूँ कि उसको मज़ा भी आता है, करने की इच्छा भी होती है, वो करता भी है। मैं ये बोलता हूँ कि हस्तमैथुन लोग कर रहे हैं करके वेश्यागमन कम हो रहा है, हस्तमैथुन करेंगे लोग तो HIV एड्स जैसी बीमारियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग अपने आप को घर में संतुष्टि पाएंगे अपने हाथ से ही, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से संतुष्टि पाएंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर कोई वेश्या के तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई औरत के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गैर संबंध रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो घर में उसको शांति मिलेगी अपने हाथ से करता है तो। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि पत्नी बीमार है, पत्नी को मतलब प्रेगनेंसी है, गड़बड़ा हुआ है और उसके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया सेक्स करने के लिए, या कोई मतलब मासिक धर्म है, MC है या और कोई है, पत्नी बाहर गाँव गई है, तभी लोग फिर उस समय क्या होता है, उस समय फिर बाहर कहीं संबंध रखना चालू कर दे और फिर वहाँ से कुछ उनको बीमारी हो सकती है और वो अनैतिक भी है। ये यदि हस्तमैथुन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाथ से किया हुआ मैथुन उसको बोलते हैं हस्तमैथुन, हाथ से किया हुआ मैथुन उसको बोलते हैं हस्तमैथुन। जब वो कोई व्यक्ति यदि अपना लिंग योनि में डालता है और योनि में डाल के वहाँ इंटरकोर्स करता है, संबंध रखता है और वहाँ उसका वीर्य का इजैकुलेशन होता है, बाहर गिरता है, वो योनि में गिरता है, वो एक प्रक्रिया हो गई। हस्तमैथुन से वो हाथ से मैथुन करता है और वीर्य बाहर निकलता है, दोनों भी इसमें वीर्य बाहर ही जाता है। और मैं एकदम ये बोलता हूँ कि वीर्य अंदर आप रख सकते नहीं हो, वीर्य अंदर धातु जो है वो अंदर जमा होता नहीं है, मणि जो है धातु मणि वीर्य जो भी आपको बोलना है वो अंदर जमा होकर रहता नहीं है, ना औरत की जमा रहता है सेक्स करने के बाद में, शादी के बाद में, या आदमी के पेट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि वहाँ जमा रहेगा, उसको तो बाहर निकलना ही है। जितने बार आप थूकते हो तो थूक कम हो जाएगा क्या, थूकते हैं तो लार जो है वो कम होती क्या, नहीं, जितने भी बार आप थूकेंगे उतनी लार तैयार हो जाती है। वैसी सिस्टम अपने अंदर है कि जितने बार आप बाहर फेंकोगे उतने बार वो नया नया बार बार वीर्य तैयार होते जाता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, इससे एक्चुअली जो है वो कोई बीमारी होती नहीं है। बीमारी कहाँ से होती है, क्यों होती है, कि मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ, मेरी ताकत जा रही है। आयुर्वेदा में ऐसा बोला है कि एक बूंद जो है धातु का या वीर्य का वो खून के 80 बूंद के बराबर का है, तो उसको लगता है कि देखो एक बूंद धातु का 80 बराबर 80 बूंद
खून के बराबर का है, तो मतलब मैं कितना खून बहा रहा हूँ इसमें, और उसकी वजह से उसको लगता है कि मैं भी कमज़ोर हो गया। फिर कमज़ोर हो गया तो फिर वो मन में बैठ रहता है, बिलीफ है, फिर वहाँ से वो उसको कमज़ोर लगने लगता है, फिर कुछ भी नहीं है तो भी कमज़ोर लगने लगता है, फिर उसको लगता है कि देखो मेरा वजन कम हो रहा है, फिर उसकी चिंता होती है, फिर वो चिंता से और फिर कमजोरी आती है और खाना कम हो जाता है। इधर हस्तमैथुन चालू है, हस्तमैथुन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर्बेशन इज अ नॉर्मल फिनोमेना। मास्टर्बेशन की यदि लत है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में वो मास्टर्बेशन करता है, तो फिर उसका प्रॉब्लम है, अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। कोई भी साइंस में ऐसा कभी लिखा हो तो मेरा उनको ओपन चैलेंज है कि भाई मेरे साथ में डिस्कशन करने के लिए, कभी भी चर्चा करने के लिए आ जाना। मेरा नंबर नीचे दिए हुए, आपको कोई भी शक होगा, कोई कांटेक्ट करना है तो जरूर नंबर पे कांटेक्ट करो। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते कर सकते हैं हमारे से, काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और काउंसलिंग हमारे से कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल है जहाँ हम लोगों को मानसिक रुग्णों को भर्ती करते हैं। हमारा मिशन जो है वो है मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए और व्यसन मुक्त भारत, उसके लिए आपका हाथ लग जाएगा यदि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।